सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी अगर देखा जाए तो भारत में कोरोना वायरस लगातार फैलता ही जा रहा है। इस महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस वजह से केंद्र और राज्य सरकारें कोई भी कमी नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन तैयारी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस भारत में किस स्टेज पर है। कोरोना वायरस के पैटर्न को समझना जरूरी है। बाकी देशों में वायरस क्या रूप ले चुका है और दूसरे देश इस वायरस से लड़ने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं जानना जरूरी है। अगर कोरोना वायरस के फैलने के पैटर्न को समझा जाए तो इसकी 5 स्टेजेस हैं। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी आसान भाषा में सभी 5 स्टेजेस का मतलब। भारत अभी कौन सी स्टेज में है, क्योंकि हर स्टेज में सरकार और जनता को अलग अलग तरह के एहतियात बरतने पड़ते हैं। इसको फैलने से रोकने के लिए अलग इंतजाम करने पड़ते हैं। दोस्तों 90% लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक और कमेंट भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कर लीजिए ना प्लीज, आपका एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देता है और अच्छा काम करने के लिए। WHO के अनुसार भारत कोरोना वायरस की दूसरी स्टेज में है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार ने यदि और ठोस कदम नहीं उठाए तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक अभी इसको अगली स्टेज में जाने से रोकने के लिए सरकार के पास 1 महीने तक का वक्त है। पहले जानते हैं किस स्टेज पर कितनी खतरनाक है यह बीमारी। स्टेज 1 में देश में संक्रमित जगहों से ही वायरस फैलने के मामले सामने आते हैं। जैसे भारत में 3 मार्च तक बस बाहर के देशों से आए हुए लोगों में ही वायरस डिटेक्ट हुआ था। शुरू शुरू में वुहान चाइना से आए हुए केरल के 3 मामले और अभी हाल ही में ईरान, इटली और दुबई से आए हुए मामले। इस स्टेज में वायरस को कंट्रोल करना उतना मुश्किल नहीं होता। ये मुमकिन करना है कि एयरपोर्ट से बच के कोई संक्रमित इंसान देश में ना घुस पाए, जरूरत पड़े तो 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखें। अब देखते हैं कि स्टेज 2 में कैसे फैलता है वायरस। स्टेज 2 वो है जब ऐसे किसी व्यक्ति में ये वायरस डिटेक्ट हो जाए जो संक्रमित देश से नहीं आया और ये वायरस स्थानीय लोगों में फैलना शुरू हो जाए। इस फेज में मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति बाहर के देश से भारत के अंदर घुस आया और अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ, स्थानीय लोगों के लगातार कॉन्टैक्ट में है और लोगों को संक्रमित कर रहा है। स्टेज 2 का बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जयपुर में इटली से आए हुए लोगों में ये वायरस मिला और फिर उनके टैक्सी ड्राइवर, होटल स्टाफ और उनके ट्रैवल गाइड्स तक ये वायरस फैल गया। इसको कम्युनिटी स्प्रेड भी कहते हैं। ये ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि स्टेज 1 में आप एयरपोर्ट पर स्क्रीन करके विदेशी लोगों के वीजा खत्म करके भारत में घुसने से पहले उनको 14 दिनों का मैंडेटरी क्वारंटाइन करके इस वायरस को काबू कर सकते हैं, पर स्टेज 2 पे बात हाथ से निकल चुकी होती है। अब देख लेते हैं कि स्टेज 3 में क्या होता है। स्टेज 3 में इस वायरस को रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी होती है। ये वायरस न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। बड़े पैमाने पे ये समुदाय मोहल्लों में फैलने लगता है। भारत में कोरोना को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स या कोई भी ऐसे इवेंट जिसमें मास क्राउड पुलिंग होती है कैंसिल करने पड़ रहे हैं, यानी बंद करने पड़ रहे हैं। अब आती है स्टेज 4, यानी कि स्टेज 4 में ये वायरस कैसे फैलता है। स्टेज 4 में ये बीमारी महामारी का रूप ले लेती है। पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है। कहना मुश्किल हो जाता है कि कब खत्म होगा। वायरस से लड़ने के लिए सरकार को पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है, पूरे के पूरे देश को बंद करना पड़ता है। आपने चाइना की रिपोर्टिंग देखी होगी, 10 दिनों में मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बनाना, शहरों को लॉकडाउन करना। अभी इटली, ईरान, साउथ कोरिया जैसे देशों में ये वायरस पूरे देश में फैल चुका है, स्टेज 4 पे पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि स्टेज 5 में क्या होता है। स्टेज 5 बड़ी राहत देने वाली स्टेज होती है, लेकिन हो सकता है इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते काफी नुकसान हो चुका हो, बहुत से लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा बैठे हों। ये 4 फेज है जिसमें देश कोरोना से निपट चुका होता है, कोरोना काबू आ चुका होता है। इस स्टेज में कोरोना के नए मामलों में कमी आने लग जाती है और इक्का दुक्का ही नए मामले आते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि इस समय संक्रमित लोगों की संख्या कम हो, हो सकता है बहुत से लोगों का भी उपचार चल रहा हो। अब आपको कोरोना वायरस की सभी स्टेजेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दुनिया के 150 देशों में फैल चुका है वायरस। अब बताती हूँ कौन सा देश कौन सी स्टेज में है। बात शुरू करती हूँ जहाँ से वायरस फैलना शुरू हुआ था, चाइना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इसका शिकार होना पड़ा। चाइना अभी स्टेज 5 में आ चुका है। पिछले एक हफ्ते में डेली सिंगल डिजिट यानी 10 से कम ही नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इटली, ईरान, साउथ कोरिया, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस देश अभी स्टेज 4 में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे देश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इटली में 21,000 लोग संक्रमित हैं, 1500 के करीब मर चुके हैं, पूरे के पूरे देश क्वारंटाइन में है।
किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, देश में सब कुछ बंद है, सब कुछ, ग्रोसरी स्टोर और मेडिकल शॉप्स को खोलने की ही अनुमति है बस। बाकी के लगभग 90 देश स्टेज 2 और स्टेज 3 में हैं और 50 के करीब देश स्टेज 1 में हैं, जहां अभी तक वायरस बाहर से आए हुए लोगों में ही डिटेक्ट हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या भारत तैयार है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अब तक भारत में इस वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 97 लोग कोरोना से संक्रमित है। इसके खतरे को देखते हुए अभी तक 13 राज्यों में स्कूल, कॉलेज और मॉल्स बंद हैं। सभी देशों के वीजा पहले से ही कैंसिल किए हुए हैं और विदेशों से आने वाले सभी भारतीयों को 14 दिनों के लिए मैंडेटरी क्वारंटाइन में रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने जागरूकता अभियान युद्ध स्तर पर शुरू किया हुआ है, क्योंकि सरकार भली भांति जानती है इस वायरस को रोकने में सरकार से ज्यादा लोगों का विवेक, उनकी अवेयरनेस और अलर्टनेस ज्यादा कारगर साबित होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है आप सबकी जागरूकता। इसके बचाव के लिए जो तमाम उपाय बताए जा रहे हैं आप उन्हें जरूर अपनाएं। अपने और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें। आप सबके सपोर्ट के बिना ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको नीचे सब्सक्राइब करने का लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।